दूर से देखें तो आपको ये कार पार्किंग नजर आएगी, लेकिन जैसे ही करीब आएंगे तो पता चलेगा कि ये तो बगीचा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में टैक्सियों की छत पर सब्जियां उगाई जा रही हैं। बैंकॉक के पश्चिमी इलाके में एक खुले पार्किंग एरिया में लगभग 200 टैक्सियां यूं ही खड़ी हैं, क्योंकि महामारी की वजह से कोई काम नहीं है। ऐसे में गैरेज मालिकों ने इनकी छतों को रूफटॉप गार्डन में तब्दील करने की सोची। यहां टैक्सियों की छतों पर बांस के ढांचे बनाए गए हैं और उन पर बैंगन, हरी मिर्च, खीरा, टमाटर और बीन्स जैसी सब्जियां उग रही हैं। सब्जियां उगाने के साथ साथ यहां मेंढक भी पाले जा रहे हैं। उन्हें भी थाई लोग बड़े शौक से खाते हैं। गैरेज के कर्मचारी और ड्राइवर इन सब्जियों और मेंढकों को खाकर दिन का 50 बाट तक बचा लेते हैं। जब ये सब्जियां पूरी तरह उग जाती हैं, तो गैरेज के कर्मचारी खाना तैयार करते हैं और कुछ घर भी ले जाते हैं। बैंकॉक में आजकल टैक्सी वालों के लिए गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए थाई सरकार ने हाल के महीनों में सख्त पाबंदियां लगाईं। इसीलिए बैंकॉक में सैलानियों का आना लगभग थम गया और टैक्सियों के लिए कोई काम नहीं बचा। इस पार्किंग प्लेस को चलाने वाले राजप्रूक टैक्सी गैरेज का कहना है कि शहर में अलग अलग जगहों पर ऐसी लगभग 2,500 टैक्सियां बेकार पड़ी हैं। कुछ ड्राइवर काम न होने की वजह से तो कुछ संक्रमण के डर से टैक्सियों को छोड़कर अपने गांव चले गए। हमारे पास यही आखिरी विकल्प था, हमें इन टैक्सियों पर सब्जियां उगानी पड़ रही है। इनमें से कुछ टैक्सियों पर अब भी 7 से 8 लाख बात का लोन बकाया है, लेकिन टैक्सी का काम ठप हो गया तो हमने यहाँ पर सब्जियां उगाने के साथ साथ मेंढक पालने शुरू किए। थाईलैंड में अब तक कोरोना वायरस के 14 लाख मामले सामने आए हैं और लगभग 14,000 लोग मारे गए हैं। इसमें से 97% मामले और 99% मौतें बीते 3 महीने में दर्ज की गई हैं। सरकार जल्द ही कोरोना की इस लहर से निकलने की उम्मीद कर रही है, लेकिन टैक्सी मालिकों की मुश्किलें जल्द कम होती नहीं दिखती। सरकार ने अभी तक उनकी मदद का कोई वादा नहीं किया है। बेशक इस तरह सब्जियां उगाकर टैक्सी मालिक अपने नुकसान की भरपाई तो नहीं कर सकते, फिर भी उन्होंने ये जरूर साबित किया है कि हर कोई अपना खाना खुद उगा सकता है। अगर टैक्सी की छतों पर सब्जियां उगाई जा सकती हैं, तो कहीं भी उगाई जा सकती हैं।